जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप भैरव जी की साधना कैसे करें यह सुन रहे हैं। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम छौम व्याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशय। ओम रीम बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरुकुर बटुकाय रीम। ओम छाम छोम असितांग भैरवाय नमः। ओम छाम छोम रूर भैरवाय नमः। ओम छाम छोम चंड भैरवाय नमः। ओम छाम छोम उन्मुक्त भैरवाय नमः। ओम छाम छोम कपाल भैरवाय नमः। ओम छम छोम क्रोध भैरवाय नमः। ओम चाम चोम सहार भैरवाय नमः। ओम चाम चोम भीषण भैरवाय नमः। ओम चाम चोम आकाश भैरवाय नमः। ओम चाम चोम पाताल भैरवाय नमः। ओम चाम चोम स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। तो इतने सारे इनके मंत्र हैं और भी भैरव जी हैं, भैरव जी के अष्टोत्तर शतनाम भी हैं। मनुष्य यदि भूत प्रेत पिशाच इनसे लड़ना चाहता है तो मनुष्य को सर्वप्रथम भैरव जी की उपासना करना चाहिए। और भैरव जी की उपासना, चूंकि भैरव जी काले देवता हैं, शमशान के देवता हैं, इसलिए उनकी उपासना रात में करना चाहिए। हर महीने भैरवाष्टमी आती है, उस अष्टमी के दिन से आपको यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। जिस दिन साधना प्रारंभ करना हो उसी दिन उपवास रखें, भैरव जी के मंदिर में जाएं, उनको जो उनकी भेंट लगती है पूजा में वो पूजा भी करें और भेंट भी उनको प्रदान करें, और उनके सामने संकल्प लें कि मैं 41 दिन तक या 45 दिन तक या 90 दिन तक या 27 दिन तक आपकी साधना करूंगा, आप मुझे सफलता प्रदान करें और आप हमको आशीर्वाद प्रदान करें। तो पूरी भेंट देने का मतलब हो गया कि भैरव जी को नींबू की माला बड़ी पसंद होती है, नींबू की माला बनाएं, गुलाब के पुष्प की माला बनाएं, गुलाब के पुष्प ना मिलते हैं तो गेंदे के पुष्प की माला पहना दें, सिंदूर से उनका तिलक कर दें, इत्र उनको जन्नतुल फिरदोस या काला भूत नाम का इत्र बड़ा पसंद होता है, वो इत्र चढ़ाना है, उनको काला कपड़ा चढ़ाया जाता है। और विशेष चीज शराब चढ़ती है, एक नींबू काट करके उसके ऊपर शराब चढ़ाना होती है, एक प्याला भरना होता है, उड़द से बने हुए पकवान रखना होते हैं, इमरती वगैरह, उड़द का हलवा रख दीजिए, थोड़ा सा सेव नमकीन मिक्सचर, भुजिया जिसको बोला जाता है वो भी रखें, मांस वो भी रखना होता है, बकरे का मांस रखें, गांजे की चीलम या फिर सिगरेट लगा दें, धूप बत्ती अगरबत्ती सुगंधित द्रव्य, उड़द के दाने, लौंग, पान का बीड़ा और एक नारियल और कुछ दक्षिणा, ये सब सामान आपको चढ़ाना पड़ता है भेंट में देने के बाद में। आप चाहें तो उसमें से कुछ प्रसाद बांट भी सकते हैं, दही बड़ा भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद रात को 12 बजे से आपको ये साधना प्रारंभ करना होती है। तो 12 से 3:30 बजे तक, यानी आपको ये 3.5 घंटे की रोजाना साधना करना है। जिनके पास समय नहीं है उनके लिए कि रात को 12 से 3:30 पे रोजाना जपना है, मंत्र जप करें, कभी कभी हवन भी करें, गूगल से हवन करें, नींबू से हवन करें, और हवन सामग्री से हवन करें, काली उड़द से हवन करें। जब भी साधना करें एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का जलाना चाहिए, मिट्टी का दीपक होता है,
हो सके तो कलश की स्थापना भी कर दे ताकि उसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। कलश पे कोई भी हाथ नहीं लगा, इस बात का ध्यान रखें। एक बार दीपक प्रज्वलित कर दे तो फिर उसको कोई हिलाना नहीं है। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 3 से 4 घंटे तक जल जाए। बार बार उसमें तेल डालने की आवश्यकता नहीं होती है। चौमुखी दीपक लगाना है, दीपक के नीचे उड़द के दाने अवश्य रखना है। आपको स्वयं को शुद्ध स्वच्छ पवित्र अवस्था में रहना है। सूतक पातक वालों के घर पे नहीं जाना है। सूतक पातक वालों के घर का भोजन भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। ये भी देख ले कि आप जब साधना करने जा रहे हैं तो उसके पहले घर में कोई भी सूतक होने की संभावना तो नहीं है, पातक होने की संभावना तो नहीं है। स्त्री से आपको दूर रहना है, मांस मदिरे से आपको दूर रहना है। रोजाना भैरव जी महाराज को 3:30 बजे के आसपास एक नींबू काट करके उसके ऊपर उनको धार अवश्य चला दें। और हो सके तो जब भी हवन करें, लाल मिर्ची से आपको हवन करना है और नींबू से हवन करना है। साबुत नींबू से हवन होता है, नींबू टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। और कम से कम 27 दिन या 41 दिन या 45 दिन की साधना करना चाहिए। साधना कर रहे हो ये किसी को नहीं बोलना है, ये साधना गुपचुप तरीके से होती है। और जब भी साधना करें आप बंद कमरे में करना है, कमरे के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दरवाजे खिड़की को बंद कर लेना चाहिए। कोई तस्वीर या कोई भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। दिल से भगवान को याद करना पड़ता है, आराम से भगवान को याद करना पड़ता है। और रोजाना एक जायफल आपको जलाना होगा, उनको भैरव जी को भोग बोलते हैं इसको। एक जायफल ले लीजिए, उस जायफल को सरसों के तेल में डुबो दीजिए, कलावे की एक पगड़ी बना करके उस कलावे में आग लगा दीजिए तेल डाल करके, और उसके ऊपर जायफल का भोग दे दीजिए। जब जायफल पूरा जल जाए तो जो उसकी भस्म रहती है जायफल की, वो भस्म अपने माथे पर लगा ले और कुछ भस्म को ग्रहण कर ले। 3:30 बजे के बाद आपको सोना है। 3:30 बजे के बाद जप तप नहीं करना है। और कभी कभी हो सके तो काली माँ के मंदिर में भी प्रणाम करने, दर्शन करने के लिए आपको जाना है। ऐसे तो भैरव जी उग्र देवता में कहलाते हैं, पर यदि आप उनको प्रसन्न करना चाह रहे हो तो उनका नियम जो है मैंने आपको बोल ही दिया है। 41 दिन की साधना पूर्ण होने के बाद जो सामान आपने भैरव जी को चढ़ाया था मंदिर में, 41वें दिन आपको फिर से चढ़ाना है। एक काला झंडा अवश्य चढ़ा दें, पीली सरसों अवश्य चढ़ा दें, उड़द, काले तिल, लौंग, इलायची, पान का बीड़ा, नींबू की माला, गेंदे के पुष्प की माला, गुलाब के फूल, जन्नतुल फिरदौस या काला भूत इत्र, सफेद मिठाई अवश्य चढ़ाना है, बतासे चढ़ाना है, कपूर का भोग लगा दीजिए, नारियल का भोग लगा दीजिए, सिगरेट लगा दीजिए, सुगंधित द्रव्य का छिड़काव कर दीजिए। क्योंकि अकेले भैरव जी नहीं चलते, भैरव जी के साथ में और भी फोर्स चलती है। सबको कुछ न कुछ देना होता है। भैरव जी के ऊपर जो है काला कपड़ा जरूर उड़ा दीजिए, भैरव जी के मंदिर के ऊपर काला ध्वजा अवश्य लगा देना चाहिए। और इनकी पूजा भी, भैरव जी की पूजा भी सूर्य डूबने के बाद ही करना चाहिए। यदि आप किसी शमशान में बैठे हुए भैरव जी की पूजा करते हैं तो वो ज्यादा फलदायी होती है। और महीने में हर चतुर्दशी, अमावस्या के पहले वाली चतुर्दशी जब भी आ जाए साधना काल के दौरान, उस चतुर्दशी के दिन आपको ये सामान किसी तिराहे चौराहे पर भी पहुंचाना है। एक तो पहले दिन पहुंचाना है, एक जिस दिन चतुर्दशी आ जाए अमावस्या के एक दिन पहले वाली उस दिन पहुंचाना है, और एक दिन जिस दिन हम समापन करते हैं उस दिन करना है। जब समापन जब भी करते हैं तो जितना आपने जप तप किया 12 बजे से 3:30 बजे के बीच में, उसका दशांश भाग आपको हवन करना है, और रात्रि में ही हवन करना है। चाहे आप बटुक भैरव की साधना कर लें, ओम भ्रीम बटुकाय अब दुदारणा कुरुगुर बटुकाय रीम, या फिर काल भैरव जी की साधना कर लें, ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, या बटुक भैरव, काल भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव, किसी भैरव की आप कर सकते हो।
भैरव जी की कुछ स्तुति होती है उनको भी बोलना पड़ता है 12 बजे के पहले पहले। यम 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 यक्ष रूपम दश दिशि वदनम भूमि कंपायमानम सम 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 सहार मूर्ति शुभ पुकट जटा शेखरम चंद बिंबम। तो इस प्रकार से उग्र रूप से उनकी स्तुति गाई जाती है ताकि आपके जीवन में भैरव जी की कृपा प्राप्त हो सके। भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ अवश्य कम से कम आपको 108 बार रोजाना साधना काल में करना है मंत्र के साथ में। ओम भैरवो भूतनाचस्य भूत आत्मा भूत भावन क्षेत्र क्षेत्रफलश क्षेत्र क्षत्रियो विराट शमशानवासी मांसांसी खरपराशी स्मान कतो रक्तपह पन्पह सिद्धह सिद्धिदह सिद्धिसवित कंकालह कालचमन कलाकाष्ठह तनुकवितिने तो बहुनेचत ओम पिंगल लोचन चूलपानी खड़क पानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरवीनाथ तो ओम भूतो योगिनी पति धंदो धनहारी च धनवान प्रति वर्धना नागहरो नागपशो व्योम किसपाल बत कालह कपाल माली च कमली काला निधि त्रिलोचना जलनत शिखी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय कटंग वांगवर भूताध्यक्षपति विक्षुपरिचारक धुर्तो दिगंबर चोणहणि पांडुलोचन प्रशांत शांति दशिद शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति निर्दिष्ट कांतक स्विष्टमहा अष्टाधार सड़ाधार सर्पयुक्त सिखी जगह भूधरो भूधरादि जोभूपति भूधरात्मज कंकालधारी मंडी जनाग यज्ञोपैत्वाण जम्बणा स्तंभी मारण शोभणि सदा शुद्ध नीलांजल प्रयुदित धने मुंड विधन बलिभुग बलिभुंडनाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदाना दुर्गाय दुसुभत निशभित कामी कला निधि कांत कामी नवत्कृति सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुते हिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्मनम। इस प्रकार से यह अष्टोत्तर शतनाम है जिसका पाठ आपको करना है रोजाना 108 बार भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना ही करना है। 11:30 बजे से आप दीपक लगा करके प्रार्थना अवश्य करें ताकि वो प्रार्थना के माध्यम से भैरव जी प्रसन्न हो सके। यम 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 यक्ष रूपम दश दिशि वदनम भूमि कंपायमानम सम 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 सहार मूर्ति शिर मुकुटिता शेखरम चंद बिंबम दम 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 दीर्घ कायम विकृत मुखम चोर्द्रोमम करालम पम 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 पापनाशम्रतम सततम भैरव क्षेत्रपालम रम 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 रक्तवर्णम कटकटी तरु तिक्ष दष्टा विशालम घम 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 घोर घोष गईदम गगार घोर नादनम कम 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 कालपाशम दृग दृग दगितम दड़िदम काम देहम तम 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 दिव्य देहम रतम सततम भैरव क्षेत्रपालम लम 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 लंबदंतम लललोयतम दीर्घ जिह्वाम करालम धूम 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 धूम्न वर्ण स्फुट विकृत मुखम बासुरम भीम रूपम रुम 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 रुंडमालम रुम 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 रुंडमालम रवितम नियतम ताम्र नेत विशालम नम 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 नग्न भूषम व्रतम सततम भैरव क्षेत्रपालम वम 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 वायु वेग प्रलय प्रणमितम ब्रह्म संपरंतम खम 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 खड़ग हस्तम तिमन निलयम भास्करम भीम रूपम चम 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 चलित चलितम 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 भूत चक्रम मम 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 मयि रूपम व्रतम भैरव क्षेत्रपालम चम 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 शंख हस्तम शशिकर धवलम मोक्ष रूपम मम 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 महांतम कुल 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 मंत्रगुप्त सुनित्यम यम 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 भूतनाथम किल 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 वशारहुजि वहालुंदम अम 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 अंतिप्रदम सततम भैरव क्षेत्रपालम। इस प्रकार ये भैरव जी की स्तुति है। इस स्तुति को भी हर मनुष्य को जो साधना कर रहा हो उसे बोलना ही बोलना चाहिए। सरसों के तेल का ही दीपक इनको लगता है, दूसरे तेल का दीपक नहीं लगता है। और जहाँ साधना करते हैं वहाँ कंडा जला करके रोजाना उसकी जगह को शुद्ध किया करो। मतलब गाय का गोबर को गोमूत्र डालना है, गोमूत्र का छिड़काव अवश्य करें। उनके स्थान जो आपने बनाया होगा उस जगह गाय के गोबर से थोड़ा लीप दिया करें और साथ ही साथ में ये शुद्धता करते हुए इत्र का छिड़काव भी करें। नींबू अवश्य काट दें, चारों कोनों पर एक एक नींबू रख दिए सिंदूर लगा करके। और सप्ताह में एक दिन दशांश हवन अवश्य करना है, वो भी 12 से 3:30 के बीच में ही करना है। तो इस तरीके से ये भैरव जी की साधना होती है। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया, आप चाहें तो दूसरा कोई स्तुति भी बोल सकते हैं। देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजं व्याल यज्ञ सुत्तमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरं भजे।
भानुकोटिभास्करं भवाब्दितारकम्बरं नीलकण्ठभीसितार्थदायकं दिलोचनं कालकालमञ्जुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारकं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमप्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरं भजे। तो इस तरीके से एक ये भी अष्टोत्तर है, ये इसमें भी अष्टकम है, बेसिकली भैरवाष्टकम बोलते हैं इसको भी। तो आपको ये आठ इसमें दोहे दिए गए हैं, इनको भी याद करें और भैरव जी की कृपा प्राप्त करें। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप चाहें तो एक कोई काला कुत्ता कहीं पर हो तो काले कुत्ते को भरपेट भोजन कराते जाइए। सप्ताह में एक दिन कोई भी चॉइस कर लीजिए कि यहाँ पर मिलता है तो उसे तंदूरी रोटी आपको खिलाना है, तवा रोटी नहीं खिलाना है, तंदूरी रोटी अवश्य खिला दें। और थोड़ा बहुत यदि बना हुआ मीट यदि आप उसके सामने रख सकें तो मीट भी अवश्य आपको खिलाना है। तिराहे चौराहे पर भी आप रख सकते हैं, शमशान में रख सकते हैं, या फिर किसी भी बबूल का जो पेड़ होता है उसके नीचे आप रख सकते हो, किसी एकांत स्थान में रख सकते हो, किसी के खेत में रख सकते हो, किसी के प्लाट में रख सकते हो। इस तरीके से भैरव जी की साधना की जाती है। साधना के दौरान कुछ भी अनुभव होता है तो गुरु से ही आपको डिस्कस करना, गुरु को ही बताना है, किसी और के सामने बात नहीं करें। और ये साधना कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से गुप्त रखना है, किसी को कुछ नहीं बोलना, ताकि परीक्षा कम से कम होगी, अन्यथा परीक्षा होना प्रारंभ हो जाती है। और जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो आप किसी भी प्रकार से सक्सेस नहीं हो सकते, इसीलिए गुप्त परीक्षा होती है, गुप्त कार्य करना होता है ताकि आप सफल हो सके। ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंगलम काशिकापुरादिनाथ काल भैरं भजे। रत्न पादुका प्रभा विराम पाद युग्मकं नित्यं द्वितीयं अधिष्ट देवतं निरंजनम मृत्युदर्पनाशनम कालरंच मोक्षणम काशिकापुरादिनाथ कालभैरं भजे। अट्टहास भिन्न पद जांडकोश संतति रष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अस्त सिद्धिदायकम कपाल मालिकंदरम काशिकापुरादिनाथ कालभैरं भजे। भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम। तो इस प्रकार से ये वाला स्तुति भी आप बोलें, और आत्मा से बोलें, दिल से बोलें, और अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। तो पहले तो गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त करिए, गुरु मंत्र लेने के बाद उस मंत्र को याद करें, कंठस्थ करें, फिर रुद्राक्ष की माला साथ में रख करके आप जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला गले में धारण करना चाहिए जब भैरव जी की साधना करते हैं तो, और किसी भी व्यक्ति के यहाँ आज के आस पड़ोस में या किसी रिश्तेदार के यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके यहाँ बैठने के लिए नहीं जाना है, खबर आने पर भी नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। और हॉस्पिटल में भी नहीं जाना है, जहाँ भी सूतक पातक बच्चे का जन्म होता हो, बच्चे की मृत्यु होती हो, ऐसी जगह बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। जब भी भैरव जी की साधना करते हैं तो जैसा मैं बारंबार कह रहा हूँ, कुत्तों की सेवा करना अनिवार्य होता है, तो कुत्तों की सेवा भी करिए, क्योंकि वो क्षेत्रपाल देवता भी कहलाते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को भैरव जी की उपासना करना है तो उज्जैन महांकाल ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग है, वहीं पर काल भैरव जी का मंदिर भी है, और उज्जैन में ही हर सिद्धि माँ का मंदिर भी है। उज्जैन पवित्र नगरी में आप भैरव जी की साधना कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हो तो आपकी रहने की खाने पीने की व्यवस्था देव राधा ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क की जाती है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता, रहने के ऊपर भी और खाने पीने के ऊपर भी। आपको केवल साधना से संबंधित
जो सामान लगता है, पूजन लगता है हवन का, वो सामान के आपको खरीद करके देना होगा, या फिर उतनी राशि आपको खाते में देवराधा ट्रस्ट के खाते में जमा करना होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः।